नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। जब एनएमसी बिल पास हुआ, एनएमसी बिल पास होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में एक बहुत बड़े बदलाव की बात की जा रही है। और हमेशा से भारत में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है, उस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि भारत में जो चिकित्सकों की, डॉक्टरों की बहुत ही बड़े तादाद में कमी है। तो इसी बीच हमने ढूंढ निकाला है, हम जब रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च के दौरान हमें एक ऐसी चीज़ मिली जो ख़ासकर हमें लगता है कि भारत के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। जो भारत में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, जो बहुत ही निचले और गरीब जो तबके के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका जो शायद हमने देखा है, जब हम तलाश कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अपने रिसर्च के दौरान हमें मिला। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हम आपको मिलवाएंगे पीयूष जैनी साहब से। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये किस किस तरह से काम करती है और भारत के युवाओं के लिए ये कितना अच्छा और कितना सुनहरा मौका है। जी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज़्बेकिस्तान कंट्री में है। ये जो जगह है, बुखारा है, ताशकंद से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। फर्स्ट टाइम बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ने भारतीय छात्र छात्राओं के लिए अपने यहाँ प्रवेश का द्वार खोला है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ जो हमारे भारत के मेडिकल कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें तो जो नीट का परीक्षा होती है, उसमें जिन बच्चों का 575 से ऊपर नंबर आता है, उन्हीं को प्रवेश मिलता है। बाकी के छात्र छात्राएं कहाँ जाएंगे? प्राइवेट कॉलेज की अगर बात देखें पूरे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, तो जो ट्यूशन फीस है उसको अगर आप पूरा 4.5 साल का कैलकुलेट करेंगे, वो 90 लाख से और 1,35,00,000 तक जाता है, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और जिसमें हमारे देश की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं, जो स्वचालित हैं, एक मैनेजमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सभी पेरेंट्स का, अभिभावकों का उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो 1-1.5 करोड़ रुपया लगा करके अपने बच्चे या बच्ची को इंडिया के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाएं, एमबीबीएस की शिक्षा दिला पाएं। तो इसी के क्रम में हमने काफ़ी रिसर्च के बाद, मेरा अपना विदेश में एमबीबीएस में एडमिशन का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इसके कंपैरिजन में हम ढूंढना चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हमको मिले जिसमें एक नए प्रकार से हमारी अपनी पार्टनरशिप हो, इंडियन कंपनी की पार्टनरशिप हो, जिससे भारतीय छात्र छात्राओं को वहाँ पर अध्ययन के वक्त ये बिल्कुल भी एहसास ना हो कि वो अपने घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए हमने बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को पिछले 6 माह से हम लगे हुए थे, 6 माह से उनके साथ बराबर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इस इंस्टीट्यूट ने हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया कि इंडिया से आप 300 स्टूडेंट, भारतीय छात्र छात्राएँ 300 स्टूडेंट आप 2019-2020 के सेशन में अक्टूबर एंड तक लेकर के आएँ। हम पूरी सुविधा उनको देंगे, हॉस्टल भी हम इंडियन हॉस्टल वहाँ पर बना रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका हॉस्टल है उसका रेनोवेशन चल रहा है, जो अभी इस मंथ में 20 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने कहा कि 300-350 बच्चों का सिलेक्शन भारत से किया जाएगा, तो इन बच्चों का सिलेक्शन किस आधार पे होगा? क्या उनको कोई एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा या फिर कोई कैसी व्यवस्था है उनके लिए? वहाँ पर उनके लिए, भारतीय छात्र छात्राओं के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। बच्चे का 12वीं की परीक्षा में जो भारत से कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्रीगेट 50% होना चाहिए, नीट एलिजिबल होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए, अगर बच्चा वहाँ से करके आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस चाहिए,
तब नीट की परीक्षा अनिवार्य है। अगर उसको इंडिया में आना ही नहीं है, वहाँ से MBBS करने के बाद वहीं पर रह जाना है उज्बेकिस्तान में, या उससे आगे उसको अमेरिका में जाना है तो उसके लिए उसको USMLE की परीक्षा देनी है, UK में जाना है उसके लिए उसको प्लेब देना है, जर्मन में जाना है तो जर्मन की जो लोकल सरकार की जो उनकी परीक्षा है उसको पास करना है, इंडिया में आना है तो उसके लिए नीट अनिवार्य है। नीट इस वर्ष 134 के ऊपर जनरल कैटेगरी एलिजिबल हुआ है और 107 के ऊपर SC ST और OBC क्लियर हुआ है, वो एलिजिबल माना गया है। तो जिस विद्यार्थी का ये मार्क्स हैं वो यहाँ पर आराम से जाकर के एडमिशन ले सकता है, और 5 साल कंप्लीट करने के बाद जो अभी एक बिल सरकार ने पारित किया है, कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दिया है, लोकसभा ने भी उसको पास कर दिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑटोमेटिक एबोलिश कर देगा राज्यसभा से पास होने के बाद, इसमें प्राविधान ये रखा है भारत सरकार ने कि 5वें साल के अंदर जब बच्चा अपना फाइनल ईयर की परीक्षा देगा उसी वर्ष ये नेक्स्ट एग्जाम होगा NEXT, ये क्लियर करने के बाद चाहे वो बच्चा भारतीय मेडिकल कॉलेज से अध्ययन कर रहा है चाहे वो बच्चा विदेशी संस्थान से अध्ययन कर रहा है, इसको क्लियर करने के बाद डायरेक्ट उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, जिसके लिए कि अभी जो NEET PG की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं पूरी, आप अभी हमने सुना था कि मुजफ्फरपुर में आपने एक सेमिनार भी किया था इसको लेके, तो जो वहाँ पूरी व्यवस्था है और बिहार कर की अगर खासकर बात की जाए तो बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं और बहुत ऐसे मेघावी छात्र भी हैं बिहार में, तो बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लोगों के लिए कितना सुनहरा मौका है और ख़ासकर उनको, उनके लिए कोई खास व्यवस्था बिहार के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, इस इंस्टीट्यूट में बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो उन्होंने ट्यूशन फीस रखी है, अगर मैं उसको अमेरिकन डॉलर के हिसाब से बताऊं तो वो $3,800 है एक साल की, जिसको 2 किस्त में बच्चा पे कर सकता है, सितंबर तक $1,900, उसके बाद मार्च में बाकी $1,900। हॉस्टल की जो व्यवस्था है वो बहुत सस्ते में है, $200 एक साल का बच्चे को देना है, यानी हमारी अभी की करेंसी के हिसाब से ₹14,000 पर ईयर, तो कुछ भी नहीं है। मैस हमने रखा है, इंडियन मैस हम बना रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, उसको रेनोवेट करा रहे हैं, यहाँ से इंडियन कुक्स हम लेकर के जाएंगे, जिससे कि बच्चों को ये महसूस ना हो कि वो घर से बाहर वहाँ का खाना के कोई आदि नहीं होता है, तो उनको ये महसूस हो कि हम घर में ही जैसा घर में खाना मिलता है वही खा रहे हैं। उसके लिए फीस है $1,000 एक साल का, यानी $100 एक महीने का, ₹7,000 एक महीने का। सर, ये तो जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल 7,000-8,000 तो हमें, खासकर अब हम दिल्ली में रहें या किसी भी, ये तो बहुत ही आम व्यवस्थाएं हैं और ये जो पूरी व्यवस्था की जा रही है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो NMC बिल पास हुआ और जो बिल में जो भी प्रावधान किए गए हैं, क्या इस बिल के पास होने के बाद जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे उनको ऐसी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या फिर कोई बदलाव नहीं है इसमें? विदेश में जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, अभी तक उसमें ये प्राविधान था कि उसको वहाँ से कंप्लीट करके आने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता था जो 300 मार्क्स का होता था। 300 में से जो बच्चा 150 मार्क्स लेकर के आता था वो पास कहलाता था, और फर्दर वो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट PG की परीक्षा देता था, इंटर्नशिप करता था, या अगर उसको PG नहीं करना था तो सरकार उसको लाइसेंस देती थी और वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट प्रैक्टिस करता था। NMC आने के बाद विदेश से जो बच्चा करके आ रहा है उसके लिए बदलाव सिर्फ इतना है कि उसको अब 2 परीक्षा नहीं देना है, उसको खाली जो नेशनल एग्जिट एग्जाम है वो पास करना है, एक ही परीक्षा देनी है। उसको पास करने के बाद अगर वो चाहता है कि उसको इंडिया के मेडिकल कॉलेज से PG करना है तो वो PG करेगा, अगर वो चाहता है उसको प्रैक्टिस करनी है, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिलती है तो उसके भी लायक होगा। सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक शायद आपने डेलीगेशन बुलाई थी, हमने देखा था ये खबरें अखबार में भी आई थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे, अश्विनी चौबे जी भी शामिल हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड़े लोग शामिल हुए थे, तो उस डेलीगेशन के बारे में, वो जो पूरा सेमिनार रहा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, 11 जुलाई को जो हमारा डेलीगेशन बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से आया था, जिसको कि वहाँ के वाइस रेक्टर डॉक्टर अखत जॉन हेड कर रहे थे, वो टीम के
बॉस थे, तो हम माननीय मंत्री जी से मिले थे 24 उनके निवास पर। जब हमने इस इंस्टीट्यूट के बारे में उनको बताया और उनको बताया कि 17 जुलाई को हम मुजफ्फरपुर में भारतीय छात्र छात्राओं के, खासकर बिहार के छात्र छात्राओं के लिए सेमिनार कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त किया और आभार जताया कि इतनी दूर से एक नया देश बिहार प्रदेश में बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक द्वार खोल रहा है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे भारत के छात्र और भी देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रसिया जाते हैं, बहुत सारे देशों में जाते हैं, और वही छात्र अगर आपकी इसमें पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, उज्बेकिस्तान में पढ़ें, तो ये जो पूरा खर्च आता है, इस खर्च का क्या आंकड़ा है, कितना अंतर आएगा और कितना फ़ायदेमंद रहेगा बच्चों के लिए खर्च के हिसाब से? जहाँ तक रसिया, अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का सवाल है, वहाँ पर जो कोर्स की अवधि है वो 6 साल है, 6 ईयर्स। यहाँ पर कोर्स की अवधि 5 वर्ष है, जो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में है। उसके लिए वहाँ जो अभी लाइब्रेरी है, यहाँ से हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बुक्स भेज रहे हैं, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट को वहाँ की लैंग्वेज जो है वो उज्बेकिस्तान है, वहाँ के जो लोकल पेशेंट्स, जो पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं, उनके साथ बातचीत में जो दिक्कत होती है उसको ख़त्म करने के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक्स अगर उनको शुरू से मिलेंगी, प्लस वहाँ जब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है तो नेचुरल सी बात है वो इतना लैंग्वेज वहाँ की लोकल सीख जाता है और बोलना भी सीख जाता है, जिससे कि मरीजों के साथ उसको वार्तालाप करने में सही रहता है। जहाँ तक खर्च की बात है, इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ 90 लाख से लेकर के 1,35,00,000 तक आता है। यहाँ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में 19 से 20 लाख रुपया पूरे कोर्स का उसका कॉस्ट है, जिसमें उसका ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है और इंडियन मेस जहाँ पर उसको भारतीय खाना मिलेगा उसका खर्च है। तो मैक्सिमम लेवल पर अगर देखें तो 20 लाख के अंदर बच्चा अपनी कंप्लीट पढ़ाई करके आ जाता है, MBBS की डिग्री लेकर के इंडिया आता है। इंडिया से बाहर उसको जाना है तो फर्दर रेवेन्यूज हैं, जैसा बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सर, ये दूसरे देशों में देखें तो रशिया में कितना खर्च आ जाता है, अमेरिका में कितना खर्च आता है, इस आंकड़े को देखें तो? रशिया में मैक्सिमम जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं या लो लेवल के भी इंस्टीट्यूट हैं, अब लेवल की तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ 30 से 35 लाख के बीच में खर्च होता है। और अमेरिका में खर्च होता है 1 साल का 2 करोड़ रुपया, जहाँ की 12वीं के बाद अगर बच्चा जा रहा है तो उसको फर्स्ट 1.5 ईयर BS का कोर्स करना है, उसके बाद उसको 4 साल का MBBS का कोर्स करना है। तो वो तो मेरे ख्याल से इंडियन स्टूडेंट बहुत ही बिरले होंगे जो 8-10 करोड़ रुपया खर्च करके वहाँ से MBBS करेंगे। तो हमारे बुखारा इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में अमेरिका तो बहुत महंगा है। सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि बिहार के छात्रों के लिए भी ऐसा कहा जाए कि बिहार में एक तरीके से देखें तो मेघावी छात्र बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गरीबी भी बहुत ज़्यादा साथ साथ है, तो उन छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कॉलेज है बहुत ही अच्छा मौका भारत के छात्रों के लिए दे रही है, उनको बहुत अच्छी व्यवस्था है वो की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस रिपोर्ट। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।